हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम उनके ऑटोबायोग्राफी का एक जो है एक्सर्प्ट जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने देश को फ्रीडम दिलाने के लिए किस तरह से फाइट करी थी, 30 इयर्स किस तरह से उन्होंने प्रिजन में बिताए थे और किस तरह से ब्रिटिश रूल को खत्म करा था उन्होंने। और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 300 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो मोर देन 300 इयर्स उसके बाद पहले जो है वहां पे इलेक्शन हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और उसमें 400 सीट्स में से 252 दे वन, उनकी जो है पार्टी ने 252 जो है वन करी थी। और किस तरह से यूनियन बिल्डिंग थी इन प्रिटोरिया एम्फीथिएटर पे, किस तरह से इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा था, वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, इट इज द कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जस्टिस की, न्याय की, और जो सफरिंग्स हैं उसकी जो है ये कॉमन विक्ट्री है। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप अपनी जो है क्वेरी या डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो यहाँ पे नेल्सन मंडेला है, और उन्होंने फर्स्ट स्पीच जो दी थी प्रिटोरिया से, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर से, और उन्होंने अपनी स्पीच में किस तरह से जो है लोगों को एड्रेस किया था। और हमने देखा था कि सबसे पहले स्वर्ण किसने करा था, डी क्लर्क ने, और उसके बाद एम बेकी ने। वहां पे उन्होंने देखा था कि किस तरह से दो लोग जो हैं, दो जो ब्रिटिश और साउथ अफ्रीकन लोग जो हैं, किस तरह से सिंगिंग कर रहे हैं वहां के एंथम को। तो ये मैंने कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला जब जिस तरह से वहां पे वी शेप का बना रहे थे, स्मोक लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, और जितने भी कलर्स थे उनके, साउथ अफ्रीकन जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, इसका क्या बना रहे थे, वो एक ट्रेल सा बना रहे थे, लेफ्ट अ स्मोक वी शेप का। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी, क्यों बोला उन्होंने कि डे सिम्बलाइज फॉर मी, बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम। और किस तरह से द विजन ऑफ व्हाइट्स, और किस तरह से व्हाइट्स जो है निकोसी सिकलेल गा रहे थे अफ्रीकन, और अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग गा रहे थे डाई स्टैम्प, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डिकेड, तो 8th डिकेड का मतलब क्या हो गया, 8 ईयर्स। As a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms. तो मैं यहाँ पे वो कह रहे हैं 80 इयर्स जो है मेरी एज हो गई है, और दैट सिस्टम जो पहले सिस्टम था had been overturned, अब जो है हमेशा के लिए जो है overturned हो गया, and replaced by one that recognized, और अब हमें जो है अपनी rights का जो, क्योंकि पहले क्या था बच्चों, slave बनाया हुआ था ब्रिटिश ने, और किस तरह से अपनी ही सॉइल में वो स्लेव बने हुए थे, अपना राइट नहीं था, फ्रीडम नहीं थी ऑफ ऑल पीपल, बट अब जो है एवरीथिंग हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, जो अपार्थाइड का सिस्टम था अब क्या हो गया, ओवरटर्न फॉर एवर, और एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। जो पहले अपार्थाइड था, कलर के लिए जो है किस तरह से भेदभाव था, उनका डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी है और वो हमें बता रहे हैं थ्रू दिस चैप्टर कि इसको जो है हम सोच नहीं सकते कितने थाउजेंड्स ऑफ आर पीपल सैक्रिफाइसेस देयर लाइव्स, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड। और जिन लोगों ने जो है अपनी करेज हिम्मत दिखाई है, या पेन दिखा जो है सेक्रीफाइस किए, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किए टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, बी नॉट नेवर बी कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, उसको ना हम कभी रिपीट कर सकते। आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और जैसे मैं पहले सोचता था या और दिनों में सोचता था, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड
एंड नाउ बिकेम अगेन विद मी, आई वॉज पेन, और मुझे जो है दर्द होता है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उन्हें थैंक नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस से किस तरह से हमने जो है आज अपने राइट्स को या अपने फ्रीडम्स को या डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह से जो भेदभाव थे उनको उनका एंड कर दिया, उनके ऊपर हमने जीत कर ली. द पॉलिसी ऑफ एपार्थी क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला बच्चों? Apartheid क्या है? Is a political system that separates people according to their race. जाति के आधार पे किस तरह से उनको बांटा जाता है गया था. That is called your apartheid created. और ये apartheid जो racial difference था उससे क्या है, लोगों के अंदर क्या था, एक बहुत गहरा और lasting वुंड था, गहरा जख्म था लोगों के अंदर. ऑफ ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी इयर्स, और इसको भुलाने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे, इफ नॉट जनरेशन, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो हमें जख्म दिए हैं ब्रिटिश ने दिए हैं उनको भुलाने के लिए कई जनरेशन में भी कई साल हमें लग जाएंगे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी, जो हमें उन्होंने जो है ऑपरेशन करे हैं या जो हमारे ऊपर जो ब्रुटैलिटी से हमें स्लेव बनाया है या हमें जो सफरिंग्स दिए हैं, पेन दिए हैं, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. और उसका इफेक्ट क्या हुआ बच्चों? दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, और उसके इफेक्ट से किन लोगों को हमने जाना है? ओलिवर कैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलस, द यूसुफ डेडोस, द ब्रम फिशर, द रॉबर्ट सबुकस ऑफ आवर टाइम. When men of such, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देखें इन लोगों के नाम हमने क्यों लिए हैं. Men of such extraordinary courage, हिम्मत, बुद्धिमान थे, wisdom थी, and generosity, and that their like may never be known again. तो बच्चों जिनके भी हमने नाम लिए हैं, इतने सारे जो हैं यहाँ पे हैं, ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुली, यूसुफ डेडो, ब्रैम विशर्स, रॉबर्ट सुबुको. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना हमारे ऊपर जो है ऑपरेशन किया, हमें परेशान किया, सफरिंग्स दी, ब्रुटैलिटी में क्रुएलिटी से हमें ट्रीट किया गया, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि ऐसे लोग जो हैं जिनके अंदर जो था एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज थी, हिम्मत थी, विजडम था एंड जेनरसिटी थे, ऐसे लोग जो हैं फिर नहीं, नेवर बी नोन अगेन. इन्होंने हमारा साथ दिया था किसके लिए? जो हमारे लिए, हमारे साथ जो एपार्थाइड हो रहा था, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसका एंड करने के लिए दे सपोर्टेड अस. तो जिनके भी हमने नाम लिए हैं तो उन्होंने ये कहा ये सारे के सारे लोग कैसे थे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनके अंदर करेज था, हिम्मत थी, विषम था, जेनरसिटी थी, और ऐसे लोग जो हैं लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि उन्होंने जो है कितना ब्रुटैलिटी से हमें ट्रीट करा था, ऑपरेशन टू ट्रीट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है इट इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइ बीनीथ इट्स सॉइल. किसके अंदर है? हमारी सॉइल के अंदर जो है दबे हुए हैं, या यू कैन से बीनीथ इट्स सॉइल क्या है? मिनरल्स एंड जेम्स. बट एक्चुअल में मिनरल्स और जेम्स कौन है? But I have always known that its greatest wealth, तो मेरे जो अब उनका जो point of view था कि मेरी नॉलेज में सबसे जो है वेल्थ क्या है, greatest wealth is its people, people of my country, finer and truer than the purest diamonds. जो pure diamond है उससे भी ज्यादा जो है मेरी wealth क्या है, मेरे लोग हैं, मेरे people हैं, मेरी country के लोग हैं. मिनरल्स हैं दो की, मिनरल्स हैं, जेम्स हैं बीनीथ आर सॉइल, बट मेरे लिए जो ग्रेटेस्ट सॉइल है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो क्या है? मेरे लोग हैं, और इतने अच्छे हैं, इतने फाइनर है, ट्रूअर हैं, प्योरेस्ट, अगर डायमंड को भी लेंगे तो उससे भी बेटर है मेरे देश के लोग. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स
इन द स्ट्रगल, और जिन लोगों ने मेरा जो है साथ दिया है इन द स्ट्रगल, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और मैंने उन्हीं से जो है हिम्मत सीखी है, करेज सीखा है, जिन्होंने मेरी हेल्प करी है इन द स्ट्रगल या फ्रीडम के टाइम पे जो है फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, उन्हीं से मैंने क्या सीखा है मीनिंग ऑफ करेज, हिम्मत का क्या होती है, क्या मीनिंग होता है हिम्मत का, मैंने ये उन्हीं से सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, और मैंने समय के साथ साथ क्या देखा है, मैन और वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, अगर उनको जो है एक आवाज दे तो वो जो है चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है, क्या देखा है कि उनके ऊपर कितने ब्रुटलिटी से उनको ट्रीट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, बट वो ऐसा नहीं है कि टूट जाते हैं, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, अब यहाँ देखो ब्यूटीफुल लाइन है बच्चों, आई लर्न, अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला कि ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, हिम्मत क्या है, ये जरूरी नहीं है कि हिम्मत वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट, परंतु उसके ऊपर जो जीत है। अब दो टाइप के होते हैं ना, एक कहते हैं हम नहीं डरते, कोई भी काम दे दो तो कहते हैं हम नहीं डरते, तो वो हिम्मत दिखा रहे हैं, उनके अंदर डर नहीं है, पर एक जो होते हैं डर के ऊपर जीत करना, राइट, एक्चुअल में वो जो लोग हैं वो क्या है, ब्रेव है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि वो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि इसका मतलब नहीं है डर नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, इसके ऊपर जीत करना, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वह नहीं होता है कि जो डरते नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। जैसे अभी मैंने बताया कि दो तरह के लड़के हैं, एक कहता है कि भाई मेरे को डर नहीं लगता, मैं बहादुर हूँ, क्या वो बहादुर है, या वो बहादुर है जो डर के आगे ऊपर क्या करता है, जीत करता है, वो बहादुर है, राइट। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, कहते हैं मैं बहादुर है, मैं भाई ये कर सकता हूँ, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, परंतु असली बहादुर कौन है, ब्रेव मैन कौन है, जो वन करता है, डर के आगे जीत करता है, ओवर जो है कॉन्कर करता है दैट फियर, वो असली में क्या है, दैट वॉज ट्रू ब्रेव मैन। क्लियर। नेक्स्ट इज नो वन इज बॉर्न, अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हिटिंग अनदर पर्सन, कि कोई ऐसा, क्या नफरत क्या बचपन से होती है बच्चों, नहीं होती, क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसे नहीं पता कि किससे हमें नफरत करनी है, किसको हमने जो है प्यार करना है या किससे नफरत करनी है, ये या हमें जो है कलर के हिसाब से जो है किसी से नफरत करनी चाहिए, ये क्या बचपन से होती है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं नो वन इज बॉर्न हिटिंग another person because of the color of his skin, कोई बचपन में जो पैदा होते जो है उसे ये नहीं पता कि हमें इसे नफरत करनी चाहिए क्योंकि इसका कलर जो है डिफरेंट कलर है, और his background या उसके background से या उसके religion से हमें hate करना बचपन जो है सिंस बर्थ किसी को नहीं पता होता है। People must learn to hate, वो कह रहे हैं ये सीखना चाहिए हमें हेट कैसे करनी चाहिए, and if they can learn to hate they can be taught to love, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि हमें नफरत किससे करनी चाहिए, right? तो automatically they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Hate के बजाय अगर हम देखें कि love क्या होता है, naturally हमारे heart में जो है enter करता है या automatically हो जाता है, naturally हो जाता है to the human heart than its opposite. तो opposite क्या है? Hate. तो hate से पहले क्या आ जाता है हमारे heart? हार्ट में क्या आ जाता है? लव। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, अब वो कह रहे हैं हमारे जो ग्रिमेस्ट टाइम था प्रिजन में, जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स, और जब हमारे जो कॉमरेड्स में साथी थे, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, पुश्ड टू आवर लिमिट्स में एक होता है ना कि हमारे हम प्रिजन में क्यों थे, 30 years ही स्पेंट इन द प्रिजन, कितने साल तक रहे थे, 30 years तक, तो वहां पे क्या उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था? नहीं मिल रहा था बच्चों, वहां पे उनको जो है ब्रूटेलिटी से, क्रुएलिटी से जो है ट्रीट किया जाता था,
उनको इतना परेशान किया जाता था कि एक होता है ना कि हमें अपने देश को आजाद करना है, एक जज्बा है हमारे, तो उसको इतने लिमिट तक वो परेशान करते थे, सफरिंग देते थे कि वो ये शब्द भूल जाए कि हमें अपने देश को फ्रीडम कराना है या फ्री कराना है। क्लियर? तो इतने टाइम तक जो इतना ब्रुटैलिटी से दे वर पुश टू देयर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि आई सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने जो एक मानवता जो है किसके अंदर देखी, इंसानियत इज वन ऑफ द गॉड्स। जब वो कह रहे हैं कि व्हेन ही वाज इन द प्रिजन, जब वो प्रिजन में थे तो एक जो गार्ड था उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, चाहे वो जो है एक सेकंड के लिए था, बट इट वाज इनफ टू डी एश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और वही जो है उन्हें लगता है कि सारे लोग जो है आपको ब्रुटैलिटी से ट्रीट कर रहे हैं, क्रुएलिटी से ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रिजन, बट वहां पे इतने सारे लोगों में से एक गार्ड ऐसा है जिसके अंदर आपको जो है तो इंसानियत दिख रही है। चाहे वो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि फॉर ए सेकेंड थी, बट यही हमें जो है एक स्ट्रेंथ दे रहा था, इट वॉज इनफ फॉर देम टू री एश्योर देम एंड कीप ऑन कीप देम गोइंग, कि वो जो है जज्बा जो उनके अंदर था मतलब टूटे नहीं वो, और खाली एक जो गार्ड है जिसके अंदर हमें इंसानियत दिखी थी, वही हमें जो है इतनी हिम्मत हमारे अंदर आ रही थी उससे कि तुम जो है हार मत मानना और अपने देश को फ्रीडम दिलाना। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, अब यहाँ पे फर्दर ही सेड मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो उन्होंने कहा हर जो है आदमी की अच्छाइयों में क्या है, इज अ फ्लेम, जो गुडनेस है वो क्या है, इट इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, जो छुपी रहती है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी बुझती नहीं है। राइट? तो यहाँ पे क्या है मीनिंग बच्चों, कि आदमी के अंदर अब क्या है कि जो गार्ड था प्रेशर उसके ऊपर था, तो उसकी जो अच्छाइयां थी वो क्या थी बच्चों, हिडन थी, तो वो कभी भी बुझी नहीं थी, वही उनको एक सेकंड के लिए दिखी थी और वही उनके लिए क्या बन गया, एक तरह से कहते हैं, कह सकते हैं आप इंस्पिरेशन हो गया या आप मोटिवेशन मिल गया उनको, और उन्होंने जो है इट वॉज इनफ टू री एश्योर देम एंड कीप देम गोइंग। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम, और यहाँ पे वो फर्दर कहते हैं कि मैन की जो अच्छाइयां हैं वो एक फ्लेम की तरह है, दैट कैन बी हिडन, छुपी हो सकती है बट कभी भी बुझ नहीं सकती, नेवर एक्सटिंग्विश्ड। क्लियर? इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, तो बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में भी आता है बच्चों की राइट टू ऑब्लिगेशन, तो दो ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, हमारी दायित्व क्या होते हैं, टू ट्विन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, तो पहला क्या है बच्चों, ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली के प्रति, टू वर्ड्स टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, अगर मैरिड है तो उसकी ऑब्लिगेशन क्या है, टू वर्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो कौन सा है फर्स्ट ऑब्लिगेशन, क्या है बच्चों, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या है बच्चों, ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने देश के लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, तो दो ऑब्लिगेशन कौन कौन से हैं बच्चों, एक अपने परिवार के लिए और एक अपने देश के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमैन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligation according to his own inclination and abilities, तो अपने abilities के कारण जो है आज जो सब लोगों जो है इसको fulfill कर सकते हैं अपने दोनों obligations को, चाहे वो अपने parents के लिए हो चाहे अपनी country के लिए हो। But आगे अभी हम पढ़ेंगे कि अब एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये दोनों obligations को fulfill करना, देखते हैं कि इट इज पॉसिबल और वेदर इट इज नॉट पॉसिबल, लेट्स सी। तो बच्चों जितना हमने पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डिड द मिलिट्री जर्नल्स डू, हाउ डिड द एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, तो यहाँ पे बोला है कि मिलिट्री जर्नल ने क्या किया, हाउ डिड द एटीट्यूड चेंज, कैसे एटीट्यूड चेंज हुआ एंड व्हाई। The highest military generals of South African Defence Force saluted.
हमने देखा था कि किस तरह से इनोग्रेशन के डे में 10th मई के दिन किस तरह से जितने साउथ अफ्रीकन मिलिट्री जनरल से सब उनको सैल्यूट कर रहे थे और उससे पहले वो क्या करते थे उनको अरेस्ट करते थे. Both saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance as during apartheid era, they would have arrested him. जैसे पहले जो लोग उनको जो जितने बड़े जर्नल्स थे क्या करते थे उनको मिलिट्री जर्नल्स अरेस्ट करते थे, बट टुडे क्या कर रहे हैं वो उनको सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लस देयर लॉयल्टी विच वॉज ग्रेट सिग्निफिकेंस एज ड्यूरिंग पार्थिट इरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम. द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मेनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका. दिस स्ट्रगल नॉट ओनली एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ए नेशन स्ट्रगलिंग विद अपार्थाइड बट ब्रॉट अ चेंज इन माइंडसेट्स ऑफ मैनी. ही बिलीव दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट एंड ह्यूमन बींग इज नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स लव रदर देन हेट. अब देखो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टू नेशनल एंथम संग. वाई वर टू नेशनल एंथम संग. वन द ऑस्पिशियस ओकेशन. ऑस्पिशियस ओकेशन क्या था बच्चों? जिस दिन उनका जो है इनोग्रेशन हो रहा था. ऑफ द इनोग्रेशन टू नेशनल एंथम्स वन बाय द वाइट एंड वन अदर बाय द ब्लैक सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक एंड द वाइट्स वॉज सम. इक्वलिटी शो कर रहा था क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अफ्रीका की जो है सॉइल में फर्स्ट टाइम दो एंथम एक साथ गाए जा रहे थे. एक ब्लैक गा रहे थे और एक व्हाइट गा रहे थे और दोनों सिंबलाइज कर रहे था द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स. क्योंकि कई सालों से जैसे हमने पढ़ा था मोर देन 300 ईयर्स से किस तरह से वहां पे रेशियल जो है अपार्थाइड चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, उसको जो है आज फर्स्ट टाइम ब्रेक किया था और किस तरह से ब्लैक्स और किस तरह से दोनों जो है वन संग कर रहे थे नेशनल एंथम वन बाय द व्हाइट एंड द अदर बाय द ब्लैक सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी. और आज जो है इक्वलिटी हो रही थी ब्लैक्स और व्हाइट्स में. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन दिस इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल ऑफ द 20th सेंचुरी. इन द फर्स्ट डिकेड में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से व्हाइट इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन. क्योंकि व्हाइट रूल किस में डोमिनेट करते थे? ब्लैक्स पे. तो अगेंस्ट द ब्लैक्स दस क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन. नेक्स्ट में उन्होंने 20th सेंचुरी में क्या बताया था कि प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर. हमेशा के लिए खत्म हो गया था एंड रिप्लेस बाय वन ईच रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन. तो फर्स्ट डिकेड में क्या था कि किस तरह से जो व्हाइट जो है किस तरह से ब्लैक्स पे डोमिनेंट थे, बट 20th सेंचुरी में किस तरह से सारी सिचुएशन अपार्थाइड जो है ओवरटर्न्ड हो गई थी और उसके बदले में जो है रिप्लेस बाय वन विच रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. बट इन ए कंट्री जैसे हमने अभी पढ़ा था कि दो हमारे ऑब्लिगेशन है. क्या है दो ऑब्लिगेशन? वन टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर ब्रदर, टुवर्ड्स योर वाइफ, टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन. सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या था? टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर कम्युनिटी. क्लियर? तो यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि बट इन अ कंट्री, अगर एक नॉर्मल कंट्री में सब कुछ सही चल रहा है, वहां पे अपार्थाइड सिस्टम नहीं है, तो वहां पे तो पॉसिबल है. बट यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये जो है पॉसिबल नहीं है मेरे जैसे जो है बर्थ के लोग, मेरे जैसे कलर के लोग टू फुलफिल इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, कि अपनी फैमिली को भी देखना और अपनी कंट्री के बारे में भी सोचना. तो यहाँ पे देखो बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरे जैसे लोगों के लिए या मेरे जो है साउथ अफ्रीका में दोनों ऑब्लिगेशंस को करना जो है इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. क्यों है? इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड
टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो यहाँ पे बोले कि साउथ अफ्रीका में अगर जो है कोई मेरे जैसे कलर का लोग अगर वो करते हैं टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसे क्या करा जाता है, पनिशमेंट करा जाता है, आइसोलेटेड करा जाता है। आइसोलेटेड मीन्स अकेले रहने पे मजबूर किया जाता है उनको। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनेविटेबली रेप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, ए टू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या है कि अगर मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना अगर चाहता हूँ तो मुझे क्या करा जाता है, फोर्स किया जाता है अपनी फैमिली से और होम से, फोर्स किया जाता है कि अलग रहने के लिए, टू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। आई डिडंट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माय पीपल अबव माय फैमिली। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपना एक्सपीरियंस कह रहे कि शुरू में जो है मैंने क्या चूज करा, टू प्लेस माय पीपल अबव माय फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माय पीपल आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। आई वाज नॉट बॉर्न विद अ हंगर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ तो अपने लोगों को नहीं देखता हूँ, अगर मैं अपने लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मैं ना अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरी नहीं कर पाता हूँ एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर और एज अ हस्बैंड। अब यहाँ पे फर्दर क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि ही वॉज नॉट बॉर्न। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न, तो आई किसके लिए, नेल्सन मंडेला, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। तो आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। अब बचपन से क्या है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर, कि मेरे को फ्रीडम की कोई भूख नहीं थी। तो बच्चा अगर पैदा होता है तो बच्चों क्या होता है, सिंस बर्थ होती है उसे पता रहता है बच्चा क्या पैदा होता है कि उसको फ्रीडम है। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरीवेयर। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था और मैं जो हूँ जब मैं बॉर्न हुआ था, आई एम नॉट बॉर्न या आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री फ्री एंड एवरीवेयर दैट आई कुड नो। फ्री टू रन, तो फ्री कैसे था मैं, क्योंकि मैं बचपन में क्या था, चाइल्डहुड का बता रहे हैं कि जब मैं फ्री था तो फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट। अभी अभी वो बता रहे हैं कि फ्रीडम मुझे कौन कौन सी थी चाइल्डहुड में, बचपन में। तो क्या फ्रीडम थी, फ्रीडम थी कि मैं कहीं भी दौड़ सकता था, जैसे मेरी यहाँ पे एग्जाम्पल बताया उन्होंने, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, कि मदर की एक हट थी वहां पे दौड़ के जाना जो है मेरे को एक फ्रीडम थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, एक जो है स्ट्रीम बह रही थी वहां पे, उसमें जो है मैं फ्रीली स्विम कर सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। दैट रन थ्रू माय विलेज, जो मेरे गाँव में बहती थी। फ्री टू रोस मिलीज और मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो उस समय क्या होते थे बच्चों, बुल्स होते थे। तो उन्होंने कहा खुले छत के नीचे जो है कोई चीज जो है रोस्ट करना, उसके लिए भी मैं फ्री था। अंडर द स्टार्स एंड राइड और किसी जो है स्लो मूविंग बुल के पीछे ब्रॉड जो है बैक में उसके पीछे बैठ के राइड करना, उसके लिए मैं फ्री था। तो मैं आई वॉज बॉर्न विद नॉट विद हंगर, आई वॉज बॉर्न फ्री, कि मैं फ्री था किन किन चीजों के लिए, उन्होंने बताया यहाँ पे फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, दूसरा उन्होंने बताया फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और तीसरा उन्होंने बताया फ्री टू रोज मिलीज अंडर द स्टार्स, और फोर्थ बताया राइट द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि फ्रीडम क्या होती है, क्योंकि बचपन में मैं फ्री जो है आई वॉज बॉर्न फ्री। क्लियर, As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो उन्होंने कहा कि जब तक मैंने जो है अपने पेरेंट्स को ओबे करा, उनका कहना माना, या जो हमारे कस्टम्स थे, हमारी ट्राइब के कस्टम्स थे, उनको मैंने फॉलो करा, तब तक मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ, कोई ट्रबल नहीं था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। अब वो बता रहे हैं कि मुझे कब पता चला कि मेरी फ्रीडम नहीं है,
बॉयहुड, क्योंकि बचपन में क्या था, मैं फ्री था, कहीं पे भी जा सकता था, कहीं पे भी मैं स्विम कर सकता था। और जब तक मैंने अपने पेरेंट्स को या अपने ट्राइब के रूल्स को फॉलो करा, तब तक मेरे को कोई ट्रबल नहीं था। बट व्हेन ही लर्न, कब उन्हें पता चला, व्हेन ही बिगेन टू लर्न दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इलूजन। इलूजन माने एक दिखावा टाइप का है कि अभी जो है जो फुलफिल नहीं होगा और उनसे छीन लिया जाएगा। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट। और कब उन्हें पता चला, क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर आपको किसी काम के लिए रोक दिया जाएगा तो आपको क्या होगा, फिर आपके करने की इच्छा होगी, हाँ भाई मेरे को क्यों नहीं फ्रीडम दिया जा रहा है। तो यहाँ से वो कह रहे हैं दैट माई आई बिगेन टू हंगर फॉर इट एट फर्स्ट, और सबसे पहले कब पता चला, एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, क्योंकि उस समय उन्हें देश के नहीं था, अपने लिए सोचना था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मेरे को अपने लिए चाहिए था ट्रांजिटरी फ्रीडम। ट्रांजिटरी मीन्स परमानेंट फ्रीडम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेरी है, ट्रांजिटरी है फ्रीडम। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात को मुझे बाहर रुकना है, रीड व्हाट आई प्लीज, और मुझे जो मेरे को पढ़ना है वो मैं पढ़ सकता हूँ, एंड गो वेयर आई चोज, कि मुझे जहां मर्जी है जाना, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। ये उनको फ्रीडम चाहिए थी, व्हेन, कब चाहिए थी ये, जब वो बॉयहुड थे। क्लियर? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह से स्ट्रगल करा और किस तरह से उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में हमें पूरा डिस्क्राइब किया कि कौन कौन सी स्ट्रगल उन्होंने करे थे। और लास्ट में अभी हमने देखा कि बचपन, क्योंकि उन्हें पता था कि बचपन में किस तरह से कोई भी जो बॉन्ड होता है, सिंस बर्थ किसी को नहीं पता होता है कि हमें स्ट्रगल करना है या हमें फ्रीडम, हमें फ्रीडम नहीं मिली है। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जब वो थोड़े बड़े हुए, तो चाइल्डहुड में उन्हें नहीं पता था फ्रीडम था, क्योंकि वो बॉन्ड फ्री हुए थे, उनकी मदर की एक हट थी, वहां पे फ्रीली वो जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। तो उन्होंने कहा जब तक मैंने अपने फादर के जो ओबे करा या अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए, उन्हें पता चला कि किस तरह से उनकी फ्रीडम जो है हैड बीन जो है छीन ली गई है। तो इसी को बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।